साथ छोड़ेंगे, तब भी हम अल्लाह के भरोसे से ये काम करेंगे। क्यों करेंगे? हमारे नबी ने फरमाया कि देखो तालीम को तुम करते हो, देखो उनका हाथ पकड़ो, हक से झुकाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करे तो पकड़ेगा। हम तालीम के हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथों में ताकत पैदा करें। अब क्या करना है? कोई ताकत नहीं भरना है, कोई ताकत नहीं दाखिल करना है, ये रहेंगे अपना दिल को मजबूत करना है, अपने दिल को मजबूत करना है, हमारा अल्लाह है, हमारा रसूल है, हमारी किताब है, हमारा खिलाफ है, हम भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you.
पकड़ पकड़ के ठहर दो, थोड़ा उठाओ, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। दिल्ली पुलिस स्टेशन पे मोदी के बारे में दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, वी वोट, वी वोट, वी वोट, हम लेके रहेंगे आजादी, जान से प्यारी आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, जान से प्यारी आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, मनोवाद से आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, ये हक है हमारा आजादी। तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद।
पांच साल के लिए तुम्हें सिर्फ वहां पर गद्दी पे बिठाया है, तुम कौन होते हो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने के लिए? सिटीजनशिप को चैलेंज करो, हमारी सिटीजनशिप के नाते, हमारे वोटिंग कार्ड के नाते तो तुम गद्दी पे पहुंचे हो। हम गद्दी पे बिठा सकते हैं तो गद्दी से खींच के उठो। Amerika! 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 Amer
لیکن وہ توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. دوسرا مقصد ان کا ہندو راشٹرا ہے, ہندو راشٹرا لانگ ٹرم ان کا مقصد ہے. وہ ایسے نہیں ہوگا, وہ تبھی ہوگا جیسا راجیو گاندھی کے دور میں 400 سے زیادہ سیٹ آئے تھے لوک سبھا میں, تب ممکن ہوتا. وہ یہ اتنے سیٹوں سے نہ ہوگا, وہ ان کو بھی معلوم ہے, اتنے دیوانے وہ بھی نہیں ہیں. تو ان کے دو مقصد کے ساتھ یہ شروع ہوا. پہلے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے, لیکن ہمارا احتجاج کرنا ضروری ہے کہ امپریکٹیکیبل ہے, بلکہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا اتحاد اور ہماری ایکتا بتانا ضروری ہے, وہی بتانے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے, آگے بھی ایسی ضرورت پڑتی رہے گی انشاءاللہ. سب سے ایسی امید ہے کہ سب لوگ اس وقت بھی لبیک کہیں گے اسٹیٹ دور میں. اور انجلی کمار صاحب کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا بندوبست. پولیس بہت سپورٹیو, بہت کوآپریٹیو, ایون ٹریفک پولیس آلسو ویری کوآپریٹیو. اور یہاں پہ جو مقامی جماعت کے لوگ
ये सोच रहे थे कि इतनी तादाद नहीं आएंगी, ये प्रूफ हो गया कि बता दिया हैदराबाद में यूनिटी है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है आज आप देख रहे हैं, लाखों की तादाद सरों का समंदर है यहाँ पर, और एक ही नारा हमारा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सब एक साथ है, और ये देख रहे हैं हम कि ये मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, ये तारा है सबका, ये जो पीपल को डाइवर्ट कर रहा है, और एक तो कश्मीर को बाबा तबाह कर दिया कश्मीरियों को, दूसरा नोटबंदी, तीसरा पब्लिक को परेशान, जीएसटी पर जीएसटी परेशान, हर बैंक लूटा गया, हर पब्लिक को परेशानी है, घर में प्याज महंगी, बैंक में पैसा नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट एकदम फेल हो गई गवर्नमेंट, और ये अपने मंसूबों को डाइवर्ट करने के लिए एक नया मंसूबा निकाल रही, आप इसके खिलाफ फाइट करने के लिए हम इंडिया के पूरे हिंदू मुस्लिम सिख बाकी सब पूरे एक हो गए हैं, और इनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, और हम यहाँ की हमारी गवर्नमेंट से केसीआर गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले उसके खिलाफ ठहरे, और असेंबली में उसके खिलाफ जिस तरह केरला पास किया वैसा एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करें और उनके खिलाफ बोले, ये हमारे लिए केसीआर के लिए एक बहुत बड़ा, ये जो आज के रैली के लिए परमिशन दिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और ये चाहते हैं कि हम ये असेंबली में हमारे तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो और इसके खिलाफ इत्तेजाज हो, और हम पूरे हिंदू मुस्लिम भाई सब सिखों की तरफ से यहाँ के एडिशनल कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना पीसफुल रैली और पुलिस सपोर्ट जो दिया हमारे को, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और तेलंगाना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ये मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट असेंबली में इसका रेजोल्यूशन पास हो जिस तरह केरला वाले और दूसरे स्टेट वाले पास करें। झंडा उठा चुका, झंडा पड़ा।